ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਵੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਖਿਓੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਮਕ ਦੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। जब कभी पहाड़ों के ऊपर बारिश होती है तो इसमें ये पानी सीपी जोकर आता है। जब ये ओवरफ्लो होने लगता है तो साथ इसके मोटर पंप लगाकर इसे पंप आउट कर रहे हैं सोडा ऐश के लिए। यहाँ पर एक करीबी ICI फैक्ट्री है, वो इस पानी से सोडा ऐश बना रही है, वाशिंग पाउडर जिसको धोबी सोडा कहते हैं। अच्छा। तो इस कान के अंदर जो इन तालाबों की तादाद है, जो छोटे बड़े तालाब है, वो 100 के करीब है, जिनकी गहराई 20 फीट से लेकर 100 फीट तक की है। ये जो आपके सामने पानी का तालाब है, इसकी जो नीचे गहराई है वो 40 फीट 40 फीट डीप। जो चीज आपको पानी के अंदर नजर आ रही है, बेसनी ऊपर वाले छत का रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये इसी वजह से हो रहा है? जी मैम, जो चीज आपको पानी के अंदर नजर आ रही है बेस नहीं है, ऊपर वाले छत का रिफ्लेक्शन। ये